ईद मिलाद उन नबी त्यौहार को लेकर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान इस्लामिक धर्म के लोगों से कोरोना को देखते हुए विस्तार से चर्चा की गई। कोतवाली परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार कोरोना को देखते हुए शांतिपूर्ण रूप से मनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान बांधवगढ़ SDM अनुराग सिंह ने कहा कि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम में अधिकतम 300 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। त्योहार को लेकर चिन्हित जगहों पर समुचित व्यवस्था की जाएगी। जैसा आप लोगों को विदित है कि हर वर्ष हिंदू मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्यौहारों को पहले पुलिस और प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कल जो ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, मुस्लिम त्यौहार, तो आज शांति समिति को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें SDM साहब, तहसीलदार साहब भी उपस्थित रहे और सबसे सुझाव लिए गए हैं और शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न हो, मनाया जा सके, इस संबंध में चर्चा की गई है। तय हुआ कि हम लोग अब जुलूस नहीं निकालेंगे, अपनी मस्जिद के अंदर ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मदिन मनाएंगे सभी भाई मिलकर, और वहीं पर हमारे जो प्रोग्राम होंगे, हमारे हाफिज़ कुरान जो हैं और जो उलमाए दीन हैं, वो हमको हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में बताएंगे, वो कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, दुनिया में क्यों आए, वो ये सारी बातें हम लोगों को मस्जिद में बताई जाएंगी। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। वो कहते थे चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को क्यों कुचला? जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।